ओआरवी नंबर 3 जिसमें 5-7 मक्की तुम्हारी थियरी आती है ने 7-1 मक्का तुम्हारा सम्स आता है। सबसे पहले थियरी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, साथ में सम्स की जो फॉर्मा वगैरह है वो भी सब तुम्हारे को समझा देता हूँ। देखा दिया द वर्ड इन्वेंटरी रिफर टू एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज दैट द इकोनॉमी वैल्यू एंड इज मेंटेन टू फुलफिल द प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है कि भाई वो हर तरीके के रिसोर्सेज जो प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स को क्या करते हो, ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स को सेटिस्फाई करते हो, वो सबको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वेंटरी बोलेंगे। जैसे कहते हैं कि यहाँ पे दिया है मैन्युफैक्चर होगा तो उसके रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, स्पेयर पार्ट्स वगैरह, वो उसके लिए क्या आएगा, रॉ मटेरियल, उसके लिए वो इन्वेंटरी है। उसी तरीके से हॉस्पिटल अगर होगी तो नंबर ऑफ बेड है, स्टॉक ऑफ ड्रग्स है, पर स्पेशलाइज पर्सन, डॉक्टर, नर्स वगैरह, वो उसके लिए क्या आएगा, इन्वेंटरी है। बैंक के लिए केस रिजर्व है, टेलर वगैरह है, एयरलाइंस कंपनी के लिए सीटिंग कैपेसिटी है, स्पेयर पार्ट्स है, तो वो सब क्या है, उनके लिए इन्वेंटरी है और जिसका यूज़ करके वो अपना बिजनेस एंड प्रोफेशन चला सकते हैं। बराबर है, ये इन्वेंटरी का इंट्रोडक्शन था। अभी तुम लोग को 5-7 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था, फ्यू एप्लीकेशन तुम्हारे को बतानी है इन्वेंटरी मॉडल के ऊपर, इन्वेंटरी कंट्रोल के ऊपर। तो देख, डिटरमाइन द नंबर ऑफ कलर टीवी, कलर टीवी कितने रखने हैं, रेफ्रिजरेटर कितने रखने हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह कितना रखना आएगा, बराबर वो कितना कितना करके स्टोर को ऑर्डर करना है जिसके कारण मिनिमम खर्चा हुआ है, बराबर है। तो ये यूज़ कहाँ पे होगा, इन्वेंटरी कंट्रोल में होगा। इन्वेंटरी कंट्रोल का यूज़ तुम इसके लिए कर दो, बर कि कितने ऑर्डर करने हैं, जैसे कि कोई भी फार्मेटिकल वाला हुआ उसको कितने ऑर्डर करने हैं, कब कब उसको ऑर्डर करना है, पूरे के पूरे महीने में कितने ऑर्डर करने हैं, बराबर है। वो सब चीज़ जो तुम बताओ, मतलब शॉर्ट में कितने कितने यूनिट तेरे को बनाने हैं, बर नंबर ऑफ डेज बिटवीन ऑर्डर, कितने कितने टाइम के बीच में तेरे को ऑर्डर वगैरह करना है, हॉस्पिटल को कब कब मेडिसिन वगैरह मंगवानी है, बर वो मतलब शॉर्ट में ये जो चैप्टर है तेरे को क्या बताएगा, इन्वेंटरी का मैनेजमेंट करना कि कब तुम्हारे पास स्टॉक काम हैगा, तो कब तुम ऑर्डर करोगे, कितने कितने टाइम में तुम ऑर्डर करोगे तो तुम लोग का पैसा बचेगा, ठीक है, कितनी कितनी क्वांटिटी में तुम ऑर्डर करोगे तो तुम्हारा पैसा वगैरह बचेगा। पर तुम ऐसा सोच रहे हो भाई तुम ज़्यादा क्वांटिटी में माल मंगाओगे तो क्या हो जाएगा, पैसा बचेगा, पर ज़्यादा क्वांटिटी में माल मंगवाने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, होल्ड तो करना पड़ेगा ना, उसको संभालना तो पड़ेगा ना, तो संभालने का भी तो खर्चा होता है कि नहीं होता। समटाइम ऐसा होता है कि भाई हम लोग संभालते संभालते क्या होता है, अमुक चीज़ हमारी वेस्ट हो जाती है, तो दिस ऑल्सो वन टाइप ऑफ लॉसेस, बरोबर है। तो हम लोग क्या करना है, वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के क्या करना है, इन्वेंटरी का कंट्रोल करना। एप्लीकेशन बोले तो भाई तुम लोग को क्या करना है, एग्जाम्पल वगैरह देने के, ठीक है। और एक और तुम्हारा इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन था कि इन्वेंटरी के अंदर कौन सी कॉस्ट आती है, तो परचेजिंग कॉस्ट होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा, होल्डिंग एंड कैरी कॉस्ट होगा ना, शॉर्टेज कॉस्ट होगा, ठीक है। जैसे सपोज समझ ले फॉर एग्जांपल के तौर पे कि हम कोई पर्टिकुलर चीज़ मंगवा रहे, अब उसकी परचेजिंग प्राइस सपोज समझ ले कि हमने जैसे कि दिल्ली से माल मंगवा रहे हैं, तो दिल्ली में हमने उसको पूछा तो जो भी सप्लायर है उसने हमारे को ऐसा बोला कि 500 रुपीज़ के अंदर पर पीस वो हमारे को देगा, ठीक है। हमने क्या करा, हमने 1000 यूनिट मंगवा लिया, तो 1000 × 5000 बराबर है, तो 500000 रुपये उसको देने पड़ेंगे। अच्छा, हमने उसको ऑर्डर दिया तो माल सामान क्या करेगा, हमारे को पार्सल वगैरह में भेजेगा, तो पार्सल वाले को भी हमारे को पैसा देने पड़ेगा, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा। फिर आएगा उसको संभाल के रखना पड़ेगा कोई जगह पे, उसके लिए गोडाउन वगैरह या कोई प्रीमाइसिस वगैरह हमारे को चाहिएगा जहाँ पे हम उसको क्या करें, संभाल के रख सकें, तो उसको होल्ड करने का भी क्या होगा, खर्चा होगा। उसके साथ साथ समटाइम्स क्या होता है कि भाई माल सामान को अगर तुम रखते हो तो उसके अंदर क्या होता है, अमुक नॉर्मल लूसेज वगैरह हो जाता है, शॉर्टेज वगैरह होता है, तो शॉर्टेज का भी क्या होगा, खर्चा वगैरह होगा। मतलब टाइप ऑफ तेरा कॉस्ट बोले तो 4 तरह की कॉस्ट है, ये चारों के बारे में डिटेल में हम लोग आगे जो मॉडल्स है मॉडल्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे और ये अलग अलग जो कॉस्ट है उसका यूज़ वगैरह हम लोग करेंगे। देख, नेक्स्ट है तेरा टॉपिक ईओक्यू। ईओक्यू का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी। इसका मतलब कि हम इतनी इतनी क्वान्टिटी हम लोग ऑर्डर करेंगे जिसके कारण जो तेरा टोटल खर्चा है, टोटल तेरा जो एक्सपेंसेस है,
तेरा परचेजिंग का खर्चा, तेरा ऑर्डर करने का खर्चा, तेरा होल्डिंग करने का खर्चा, वो कैसा है? मिनिमम आवे, कम से कम आवे, पर उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब इतनी इतनी क्वांटिटी का हम ऑर्डर करेंगे जिसके कारण कैसा हमारा खर्चा कम। अब इसके लिए कितने मॉडल है? तो इसके चार मॉडल है, सही है। अब तेरे को जो थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं ना उसमें देख, तेरे को ये इसके बारे में पूछते हैं। अगर तेरे को बोले बेसिक इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बताओ, तेरे को मॉडल नंबर वन के बारे में बताना है, ठीक है? कि भाई मॉडल नंबर वन देख, इसके एक जो असम्पशन हम लोग देख लेंगे, बाकी सब में भी वही चलता है, खाली थोड़ा बहुत माइनर सा क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, डिमांड इज एज्यूम टू अकर द कॉन्स्टेंट रेट फॉर द इनडेफिनेट टाइम इनटू फ्यूचर। हमेशा प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि अभी जितनी डिमांड है फ्यूचर में भी उतनी डिमांड रहेगी, बरोबर है? क्या बोला हुआ है? इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर एक तरीके की प्रोडक्ट और एक तरीके की आइटम है, हमारे को डिमांड पता है और डिमांड कैसी है, कॉन्स्टेंट रहेगी। लीड टाइम कैसा आएगा? जीरो है। लीड टाइम का मतलब क्या होता है? जब भी तुम माल सामान मंगवाते हो, तुम ऑर्डर करते हो, और वो माल सामान तुम्हारे तक कितने टाइम में पहुंचता है। सपोज समझ लो कि आज 7 फेब है, मैं 7 फेब के दिन में क्या करता हूँ, कोई पर्टिकुलर चीज़ का मैं ऑर्डर करता हूँ, और अगर वो ऑर्डर का माल सामान मेरे को 3 दिन के बाद मिलता है 10 तारीख को, तो जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको बोलूँगा, 3 दिन जो भी है उसको बोलूँगा लीड टाइम, ठीक है? तो यहाँ क्या हम लोग अजम्पशन करने के बाद लीड टाइम जीरो है, ठीक है? मॉडल नंबर वन हैगा तो वहाँ क्या करेंगे भाई, शॉर्टेज आर नॉट अलाउड है। मॉडल नंबर टू में भी शॉर्टेज आर नॉट अलाउड, या मॉडल नंबर थ्री हो वहाँ पर जो भी शॉर्टेज आर नॉट अलाउड लिखने का। मॉडल नंबर फोर शॉर्टेज के ऊपर है, ठीक है? उसके साथ साथ हमारे को परचेज प्राइस पता है, हमारे को ऑर्डर की कॉस्ट पता है, बरोबर है? और हमारे को कैरिंग कॉस्ट के बारे में भी पता है, ठीक है? वो सब के बारे में लिखना है, वो तरह के अजम्पशन। ये तरह कैसा है? मोस्टली जितने भी तरह के ना उसके अंदर सिमिलर है, एक एक दो दो चेंज है, तो तुम एक दो भी पढ़ के जाते हो तो तुम लोग का काम हो जाएगा, ठीक है? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडल नंबर वन। तो मॉडल नंबर वन की फॉर्मा, अब मैंने क्या किया भाई, मॉडल नंबर वन की फॉर्मा, मॉडल नंबर टू की फॉर्मा जो हैगी वो, मॉडल नंबर थ्री, मॉडल नंबर फोर, सब सबको क्या किया हुआ है, कंबाइन करके साइड बाई साइड लिख दिया, ठीक है? उसके लिए हम लोग सबसे पहले ये लोग के अंदर कौन सी चीज़ें उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या कि भाई किसको क्या 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 बोलते हैं क्या। जैसे कि एनुअल डिमांड हो ना उसको डी कहते हैं, कि पूरे साल की तेरी डिमांड कितनी होगी, ठीक है? ये देख क्यू है, क्यू मतलब कि क्वांटिटी ऑर्डर। अगर क्वेश्चन में तेरे को क्यू बोल दिया है, ठीक है, तो उसको हम लोग खाली क्यू बोलेंगे, उसको पर स्टैंड नहीं लगेगा। सी मतलब के प्राइस पर यूनिट है, सी एच मतलब होल्डिंग कॉस्ट है, CO मतलब के ऑर्डरिंग कोस्ट हैगा, ठीक है? टी का मतलब टाइम बिटवीन टू ऑर्डर है, इनका मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर है, ये सब इसका क्या हैगा, बेसिक टर्म्स वगैरह है, बरोबर है? अब इसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, जो भी डिटेल में हम लोग फॉर्मा वगैरह देखते हैं। देख मॉडल नंबर वन है, बरोबर? तो मॉडल नंबर वन की देख फॉर्मा क्या, क्यू स्टार। क्यू स्टार का मतलब क्या होता है, ईओ क्यू तेरे को फाइंड करना है। तो ईओ क्यू की फॉर्मा क्या है, टू मल्टीप्लाई बाई डी, डी मतलब के एनुअल डिमांड, सीओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ने सीएच का मतलब होता है होल्डिंग कॉस्ट। हमने मॉडल नंबर वन की जो भी अजम्पशन देखे वहाँ हम लोगों ने देखा हमारे को डिमांड के बारे में पता है, हमारे को ऑर्डरिंग कॉस्ट के बारे में पता है, हमारे को होल्डिंग कॉस्ट के बारे में पता है, मतलब क्वेश्चन में एवरीथिंग इज गिवन, सब कुछ तेरे को दे देंगे, बरे क्यू स्टार तेरे को फाइंड करना है। तो क्या करने का, ये वाली फॉर्मा लगा देने की, ठीक है? अभी देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट तेरे को फाइंड करना है, तो क्या करने का, ये ऊपर वाली फॉर्मा तेरे को लगाने की, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देख टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या करने का, तो जो भी ये तेरा है, बरोबर है, टीवीसी, उसकी जो ऊपर वाली जो फॉर्मा है कि ना, वो जब लोग यहाँ पर जो अप्लाई कर देने की, ऊपर वाली फॉर्मा अप्लाई होगी। देख ऊपर क्या करा, टू मल्टीप्लाई बाई डी मल्टीप्लाई बाई सी ओ अपन सी एच करा ना, या मल्टीप्लाई बाई सी एच कर देने का, बरोबर? देखो टी वी सी की फॉर्मा मिल जाएगी, एक फॉर्मा ये याद रखने की, दूसरी ये याद रखने की। टोटल मिनिमम कॉस्ट में क्या करने का, क्यू स्टार इंटू सी कर देने का। क्यू स्टार मतलब ये, सी मतलब के कॉस्ट पर यूनिट, परचेज प्राइस जो हम लोग ने अजम्पशन में देखा, परचेज प्राइस भी तेरे को दे देंगे, प्लस टी वी सी, टी वी सी मतलब अभी जो हम लोग आंसर लेके आए वो, ठीक है? नंबर ऑफ ऑर्डर में क्या करने का, डी अपॉन क्यू स्टार करने का। डी मतलब जो ऑलरेडी तेरे को क्वेश्चन के अंदर दे दिया होगा डिमांड, अपॉन क्यू स्टार जो अभी हम लोग क्या करके लेके आएंगे ऊपर से हम लोग ढूंढ के लेके आए, बरोबर है? और उसके बाद क्या आता है, ऑप्टिमल टाइम बिटवीन टू ऑर्डर, मतलब कि तुम कितने कितने टाइम के बीच में ऑर्डर करोगे,
उसको बोलते टी स्टार। तो टी स्टार की फॉर्मा क्या है कि क्यू स्टार अपॉन डी। क्यू स्टार मतलब ये जो अभी हम लोग ने जो ढूंढ के लेके आए ना ये वाला, वो डिवाइड में क्या कर देने का, डी कर देने का। तो टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव ऑर्डर मिल जाएगा तुम्हारे को, बरोबर है। इसकी अजू एक फॉर्मा मतलब लिखने की रह गई है मेरे से, ये तुम करोगे तो तुम्हारा क्या मिलेगा, ये वाली फॉर्मा मत लगाइए, बरोबर। मैं फॉर्मा बताता हूँ, देख ये आसान वाली फॉर्मा क्या करने का। तो अगर तेरे को ऑप्टिमम टाइम बिटवीन टू ऑर्डर का तेरे को ईयर में ढूंढना हो तो यहाँ ऊपर एक लगा देने का, डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर तो हम लोग यहाँ ऊपर ढूंढ के लेके आए, मतलब एन स्टार लगा देने का। अगर मंथ में ढूंढना हो तो 12 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर कर देने का, और डेज में ढूंढना हो तो 365 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर कर देने का। ये किसके लिए था, तुम्हारे मॉडल नंबर वन के लिए। अच्छा, क्वेश्चन में पता किस तरीके से चलेगा मॉडल वन लगे, टू लगे, थ्री लगे, फोर लगे, वो हमारे को तभी पता चलेगा जब हम लोग मॉडल नंबर टू थ्री फोर के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये इसकी बेसिक फॉर्मा है, कितनी फॉर्मा है, एक दो तीन चार और पाँच। ये जो पांच फॉर्मा है कि नहीं तेरी, ये पांच फॉर्मा के अंदर से ये जो तीन फॉर्मा जो नीचे वाली है वो तेरी कैसी रहेगी, सेम टू सेम रहेगी। कल ये ऊपर की दो फॉर्मा सब मॉडल में बदलाएंगे। अब नीचे की तो तीन फॉर्मा तेरी कॉपी पेस्टेड रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो तेरे को याद कर डालने का, मॉडल वन हो गए तो ये फॉर्मा लगाने की, मॉडल टू के लिए मैं फॉर्मा बताऊंगा वो लगाने की, मॉडल नंबर थ्री के लिए किस तरीके से करने का वो भी बताता हूँ, मॉडल नंबर फोर के लिए कौन सी फॉर्मा लगाने की वो भी बताता हूँ। खाली ये दो बदलाएगी, बाकी दो होगी वो सेम टू सेम रहेगी। अच्छा, अगर क्वेश्चन में तेरे को क्यू ऑलरेडी दे दिया आएगा तो, पर जैसे कि हम लोग ने क्यू स्टार्ट ढूंढा ना, अगर क्वेश्चन में दे दिया हो तो उसको क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं। अगर क्यू दे दिया तो हम लोग टी वी सी की ये वाली फॉर्मा लगा सकते हैं, डी अपॉन क्यू सी ओ प्लस क्यू अपॉन टू ने सी एच। ये सब फॉर्मा तुम्हारे को मैंने करवाई है, फिर भी इसका जो भी फोटो वगैरह अभी मैं तुम्हारे को भेज देता हूँ तुम्हारे पर्सनल ग्रुप के अंदर। देख मॉडल नंबर टू, मॉडल नंबर टू में क्या है, अगर सप्लाई तेरे को दे दिया है, देख ये मॉडल नंबर वन के अंदर क्या था, खाली डिमांड दिया था, जबकि मॉडल नंबर जो टू है वहाँ पे तेरे को सप्लाई भी दिया है। बस सप्लाई को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में खाली डिमांड दिया हो तो ये वाली फॉर्म, बट अगर सप्लाई दिया हो तो देख ये वाली जो दो फॉर्मा अपने लगाई वो तो रहेगी, ये तो ऐसे की ऐसी रहेगी, बट इसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर दे पी डिवाइड बाई पी माइनस डी, बरे ना ऊपर क्या कर देंगे यहाँ बाजू भी। देख सेकंड नंबर की भी है कि नहीं, वो भी कैसी है, सेम टू सेम है, बट इसके अंदर क्या करने का, देखिए अपने लगाया था टू मल्टीप्लाई बाई डी सी ओ सी एच, देख वो भी सेम टू सेम है। क्या करने का, यहाँ जो P माइनस डी अपॉन पी कर देने का, मतलब ऊपर क्या करा, ऊपर पहले P रखा फिर P माइनस डी करा ना, यहाँ उसका क्या कर देने का, अपोजिट कर देने का। अच्छा, दूसरे नंबर तीसरे नंबर चौथे नंबर पांचवें नंबर की फॉर्मा वो तो कैसी रहेगी, सेम टू सेम रहेगी, तुम्हारे को पहले बोल दिया। बर देख मॉडल नंबर वन में खाली तेरे को डिमांड बोलेंगे, मॉडल नंबर टू में क्या करेंगे, सप्लाई भी तेरे को बोल देंगे। तो अपने क्या करने का, सप्लाई बोला आएगा तो सप्लाई के हिसाब से करने का। देखिए एक एग्जांपल तुम्हारे को बताता हूँ किस तरीके का तेरा क्वेश्चन होएगा। देख जैसे कि ये क्वेश्चन तेरे को दिया, और कंट्रैक्टर हैज़ अ सप्लाई 10,000 पेपर, देख सप्लाई दे दिया 10,000 पेपर कौन पर डे टू टेक्सटाइल यूनिट, ही फाइंड डेड वेन द स्टार्ट अ प्रोडक्शन रन ही कैन प्रोड्यूस 25,000 पेपर कोन, कितना प्रोड्यूस करता है 25,000, मतलब उसका सप्लाई कितना हुआ 25,000, ने डिमांड की कितनी ज़रूरत है 10,000 की डिमांड की हमारे को ज़रूरत है, ठीक है। देख यहाँ पर जो दो क्वांटिटी तेरे को दी, मतलब ये तेरा कौन से वाला आएगा, वही सप्लाई वाला बरा प्रोडक्शन वाला और तेरा डिमांड वाला है, ठीक है, मतलब ये तेरा मॉडल नंबर टू लगेगा। अच्छा एक एग्जाम्पल तेरे को बताता हूँ मॉडल नंबर वन का। तो मॉडल नंबर वन देखिए यहाँ बाजू तेरे को दिया है ये, देख एग्जाम्पल नंबर 10 द एनुअल डिमांड, देखो डी तेरे को 3200 दे दिया, यूनिट कोस्ट मतलब सी तेरे को 6 दिया है, इन्वेंटरी कैरिंग चार्जेस 25% दिया है। कभी भी परसेंटेज देवे ना तो जो कोस्ट हो ना उसके परसेंट निकालने का, मतलब 6 के 25%, 1.5 तेरा क्या आएगा सी एच आएगा, और एक ऑर्डर करने का खर्चा मतलब सीओ तेरा कितना आएगा 150। देख खाली एक कच क्वांटिटी दी ना, मतलब मॉडल नंबर वन है, दो क्वांटिटी दे हुए मतलब मॉडल नंबर टू है, बराबर है, दोनों एग्जांपल में खबर पड़ी। अब तक मॉडल नंबर थ्री है, तो मॉडल नंबर थ्री में क्या होगा, दो या उससे ज़्यादा तेरे को प्राइस दे देंगे। सबसे पहले क्या करना है, ऑल फॉर्मा सेम एज द मॉडल नंबर वन, इसकी सब फॉर्मा मॉडल नंबर वन के जैसी है,
कुछ भी फर्क नहीं हैगा, सेम इसके जैसे। अच्छा मॉडल नंबर टू में भी क्या था, ये सब सेम हैगा, देख ये भी सब सेम हैगा, खाली यहाँ पे ऐड किया हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन तेरे को दिया है, इसके लिए प्रोडक्शन लिखा, प्रोडक्शन में से डिमांड माइनस किया, ऊपर प्रोडक्शन में से डिमांड माइनस किया, नीचे प्रोडक्शन लिखा। जबकि मॉडल नंबर थ्री के अंदर देख सबसे पहले क्या करने का, तो सबसे पहले तेरे को क्यू स्टार फाइंड कर लेने का। अच्छा दो प्राइस तेरे को दी है, दो से ज़्यादा प्राइस है, तो क्या करने का, जो छोटे वाली प्राइस हुए ना उससे पहले क्यू स्टार फाइंड कर ले। क्यू स्टार हमने फाइंड कर दिया, अब क्यू स्टार की जो वैल्यू है वो हम लोग को देख लेने का कि क्या इतनी यूनिट हम लोग मंगवाएंगे तो क्या वो उतने भाव में हमारे को देगा। अगर दे रहा हो तो उसको बस एक टी वी सी ढूंढ लेना है, टोटल मिनिमम कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर, ऑप्टिमम टाइम बिटवीन टू ऑर्डर ढूंढ लेना है। अगर वो नहीं दे सकता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम जो बड़ी वाली अमाउंट है, जो ज़्यादा भाव वाली है, उससे हम लोग क्या करेंगे, उससे क्यू स्टार ढूंढेंगे, टी वी सी वगैरह ढूंढेंगे, टोटल मिनिमम कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर ढूंढना, ऑप्टिमम टाइम बिटवीन टू ऑर्डर ढूंढेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं अपने इसके ऊपर, देखिए एग्जाम्पल है, ठीक है। देख अब यहाँ पे लोगों ने क्या करवा, देख दो प्राइस दिया, दस रुपये ने नौ रुपये प्राइस दिए, बराबर। देख हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द ऑप्टिमल इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी फॉर द प्रोडक्शन हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। एनुअल डिमांड है 2400, डी हो गया 2400, ऑर्डरिंग कॉस्ट तेरा हो गया 100, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज हैगा 24%, बराबर। टका कभी भी देवे तो क्या करने का, प्राइस का टका निकालने का। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो प्राइस है, दोनों में से छोटी कौन से, नौ रुपये, तो हम प्राइस नौ रुपये के हिसाब से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। नौ रुपये प्राइस के हिसाब से अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ स्टोरेज तेरा कितना आएगा, 9 के 24% निकालने का, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्यू स्टार ढूंढेंगे तो क्यू स्टार की फॉर्मा क्या, कि 2 × d × CO/CH रूट के अंदर ले लेने का। 2 × d डिमांड कितना, 2400, ऑर्डरिंग कॉस्ट तेरा कितना 100, सी एच मतलब के कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज क्या करने का 9 के 24% करने का, बर ये सब का प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन करके हम लोग डिवाइड करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे तो भाई हम रूट निकालेंगे, तो रूट निकालेंगे। अगर सपोज समझ ले कि तेरा आंसर जो है क्यू स्टार का आंसर अगर 500 से ज़्यादा आया तो क्या करने का, ये 9 रुपये की प्राइस के ऊपर से बाकी की तेरी जितनी फॉर्मेट टी वी सी है, टोटल मिनिमम कॉस्ट है, नंबर ऑफ ऑर्डर है, ऑप्टिमम टाइम बिटवीन ऑर्डर है, सब ढूंढना पड़ेगा। बट अगर सपोज समझ हम लोग ने क्यू स्टार किया और हमारा आंसर 500 या 500 से ज़्यादा नहीं आया, क्योंकि देख ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या कहता है, अगर तुम 0 से 500 यूनिट मंगाओगे तो 10 रुपये पड़ेगा, नहीं 500 से अगर तुम ज़्यादा मंगाओगे तो 9 रुपये में पड़ेगा। तो अगर मेरा क्यू स्टार जो है 500 से कम आएगा तो मेरे को 9 रुपये में थोड़ी देगा, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 10 रुपये के हिसाब से मेरे को माल मंगवाना पड़ेगा। अच्छा क्यू स्टार का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब कि ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी जहाँ पे मेरे को कम से कम खर्चा होगा, चाहे मेरा ऑर्डरिंग का हो चाहे मेरा होल्डिंग का हो, तो मैं क्यू स्टार को थोड़ी छोड़ूंगा। हाँ अगर मेरा क्यू स्टार का आंसर अगर 9 रुपये के हिसाब से, अगर यहाँ क्वांटिटी तेरे को कितनी दिए 500, अगर 500 क्वांटिटी से ज़्यादा आ जाता तो मैं बाकी की जो चार फॉर्मा है मैं इसके हिसाब से कर देता, पर मेरा आंसर इसके हिसाब से नहीं आएगा तो मैं क्या करूँगा, फिर से क्यू स्टार ढूंढूंगा, बराबर। 10 रुपये की प्राइस के हिसाब से 10 रुपये के 24% करूँगा तो 2.4 आएगा मेरा CH, उसकी पूरी की पूरी फॉर्मा वगैरह मैं लगाऊंगा, पाँचों पाँच फॉर्मा लगाऊंगा, ठीक है। अच्छा ये मॉडल नंबर थ्री कब अप्लाई होगा, जब तेरे पास दो तेरे पास प्राइस दे दी होवे तो। अच्छा मॉडल नंबर टू कब अप्लाई होगा, तो भाई जहाँ पे क्या होवे तेरे को दो क्वांटिटी दे दी होवे तो, ठीक है। अब लास्ट नंबर का मॉडल है अपना मॉडल नंबर फोर, अब आता है तेरा मॉडल नंबर फोर। मॉडल नंबर फोर किसके ऊपर है, शॉर्टेज के ऊपर है। अगर क्वेश्चन में तेरे को शॉर्टेज कॉस्ट दिया है तो मॉडल नंबर फोर अप्लाई होगा। अच्छा मॉडल नंबर फोर की फॉर्मा भी किसके जैसे सेम टू सेम मॉडल नंबर वन, देख 2D CO CH वो तो सेम हो जाएगा, ठीक है। खाली जो ब्लू पेन से लिखा हुआ है वो तेरा लगेगा, बर यहाँ क्या करने का, CS का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज प्लस कॉस्ट ऑफ होल्डिंग डिवाइड बाई CS करने का। देख अब दोनों के बीच का देख डिफरेंस बताओ, मॉडल नंबर टू के अंदर दो क्वांटिटी थी तो P ऊपर रखा ने P − D करा, यहाँ बाजू क्या करने का CS + CH / CS करना है, वहाँ दो चीज़ों को नीचे रखा था, यहाँ दो को ऊपर रखा, वहाँ माइनस किया था, यहाँ प्लस किया, वो याद रखियो। टी वी सी की फॉर्मा मॉडल नंबर वन के जैसी है कि बर खाली यहाँ एक्स्ट्रा का ये ऐड हो जाएगा CS / CS, बर टोटल मिनिमम कॉस्ट मॉडल नंबर वन तुम्हारे को पहले बोला, तीसरी चौथी ने पाँचवीं फॉर्मा, चाहे मॉडल वन हो चाहे टू हो चाहे थ्री हो चाहे फोर हो, दो तीन चार तो तेरी सेम है। अरे
तीन चार ने पांच तो तेरी सेम है, खाली पहले नंबर दूसरे नंबर के अंदर फर्क आता है, वो भी मॉडल नंबर वन और मॉडल नंबर थ्री तो सेम है, पर मॉडल नंबर टू के अंदर ये दो चीज़ें ऐड होती है और मॉडल नंबर थ्री के मॉडल नंबर फोर के अंदर ये दो चीज़ें ऐड होती है, ठीक है। बाकी का सब जैसा है, खाली फॉर्मा तुम्हारे को लगा नहीं। अच्छा, मॉडल नंबर फोर में क्या आएगा तो भाई एक्स्ट्रा का ये तेरे को ऐड करने का, एक्स्ट्रा की दो फॉर्म आएगी कि भाई बेक ऑर्डर करना हो तो क्या करने का, क्यू स्टार सी एच डिवाइड में सी एच प्लस सी एस करने का, नहीं मैक्सिमम इन्वेंटरी लेवल के लिए क्यू स्टार माइनस ए स्टार होगा। पर अब मॉडल नंबर फोर भी देख लेते हैं क्या, देख अगर दो प्राइस वाला है तो मॉडल नंबर थ्री लगेगा, अगर प्रोडक्शन और डिमांड दोनों दिया है तो मॉडल नंबर टू लगेगा, अगर क्वेश्चन में शॉर्टेज दिया है तो ये वाली फॉर्मा लगेगी। इफ़ नॉट गिवन अ टू प्राइस और टू प्रोडक्शन एंड डिमांड, या तो शॉर्टेज कोज भी तेरे को नहीं दिया गया है तो फिर मॉडल नंबर वन लगाना। मॉडल नंबर टू, मॉडल नंबर थ्री एंड मॉडल नंबर फोर नहीं है तो मॉडल नंबर वन की फॉर्मा तेरी लगा। बरो देख अब एग्जांपल देख लेते हैं, सब सबके ऊपर एक एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में एनुअल डिमांड दिया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है, होल्डिंग कॉस्ट दिया है ना, कॉस्ट पर यूनिट दिया है, बरोबर है। भाई खाली इतनी इन्फॉर्मेशन तेरे को दी, दो प्राइस दी नहीं दी, मतलब मॉडल नंबर थ्री नहीं है। अच्छा, डिमांड के साथ साथ प्रोडक्शन दिया नहीं दिया, मतलब मॉडल नंबर टू भी नहीं है। क्वेश्चन में शॉर्टेज कुछ दी है नहीं दी है, मतलब मॉडल नंबर फोर भी नहीं है। मॉडल नंबर टू नहीं है, थ्री नहीं है, फोर नहीं है, तो मॉडल नंबर वन की फॉर्मा लगा देने की, ठीक है। फिर हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ बजो, देख अब ये जो है ना, यहाँ कैसा है, दो एक से ज़्यादा प्राइस है, एक से ज़्यादा प्राइस है, दो या उससे ज़्यादा प्राइस हो, मतलब मॉडल नंबर थ्री। मॉडल नंबर थ्री में क्या करने का, सबसे पहले छोटी जो वैल्यू है उसके हिसाब से काउंट कर दे। इसके हिसाब से हम लोग काउंट करेंगे, अगर हमारी क्वांटिटी का आंसर क्यू स्टार का आंसर 750 से ज़्यादा होगा तो बाकी की चार फॉर्मा इसके हिसाब से काउंट कर डालेंगे। अगर इसका आंसर 750 से नहीं आता आएगा तो फिर अपने क्या करने का, 9.25 के हिसाब से काउंट करने का, बरोबर। और अगर 9.25 के हिसाब से तुमने क्यू स्टार फाइंड किया और उसका आंसर 500 और 750 के बीच में आ जावे तो बाकी की चार फॉर्मा इसके हिसाब से काउंट कर डालने की, बर न। अगर ऐसा ना होए तो फिर 10 रुपये की प्राइस के हिसाब से क्यू स्टार ढूंढ लो और बाकी की चार फॉर्मा तुम्हारे फाइंड कर डालने की। ये का तेरा मॉडल नंबर थ्री, बरोबर है। फिर ये जो भी है यहाँ पे देख, दो डिमांड और प्रोडक्शन तेरे को दिया है, मतलब मॉडल नंबर टू है तेरा, बरोबर है। उसके बाद है ये वाले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते, देख यहाँ पे क्या दिया है, हाँ देख यहाँ पे तेरे को डिमांड दिया है, यूनिट दिया है, सेटअप कॉस्ट दिया है, होल्डिंग कॉस्ट दिया है, शॉर्टेज कॉस्ट भी दिया है। शॉर्टेज कॉस्ट दे मतलब मॉडल नंबर फोर, तो मॉडल नंबर फोर की फॉर्मूला लगाने की। चाहे कोई भी तेरा मॉडल हो, देख तीसरी चौथी ने पांचवी फॉर्मूला तो सेम है, खाली दो फॉर्मूला तेरे को शुरुआत की संभालने की। अच्छा, शॉर्टेज हो तो शॉर्टेज में दूसरी दो एक्स्ट्रा की तेरी फॉर्मूला जाती है, बरो वो हिसाब से करने का। 7-8 मक्का तेरा सम्स आएगा, रिसेंटली अभी कंप्लीट किया है, डिटेल के अंदर सब वो सब सम्स कंप्लीट कर लेते, पेपर सेट का भी एक एक सम्स तुम लोग ने खुद ने बैठ के कंप्लीट किया आएगा, बरो। बट टाइम नहीं होने के कारण इसका रिवीजन बाकी था तो थोड़ा व्यवस्थित इसका रिवीजन करवाया, मतलब शॉर्ट में जो एक दिन पहले जो रिवीजन करते हैं उसके अंदर तुम्हारा कवर करवाया, ठीक है। जो कि डिटेल के अंदर तो रिवीजन नहीं हुआ आएगा, बराबर। फिर भी ये जो जो फॉर्मा वगैरह जो तुम्हारे को लिखवाई है बोर्ड के ऊपर वो हिसाब से जाना, क्योंकि यहाँ पे अमुक जो फॉर्मा है कि थोड़ी आगे पीछे हो गई है, कि इन्होंने जो आगे पीछे थोड़ी बहुत फॉर्मा करी डिवाइड वगैरह मल्टीप्लाई वगैरह के अंदर, जो हम लोग ने जो ओरिजिनल जो बुक है जेके शर्मा की, जो तुम्हारे कॉलेज की कॉलेज करने जो भी प्रीफर की थी उसके हिसाब से हम लोगों ने फॉर्मा वगैरह करी है, बराबर है। तो उन्हों की जो मिस्टेकों के कारण मेरे भी लिखने में अमुक फॉर्मा के अंदर मिस्टेक्स वगैरह हो गई थी, ठीक है।